हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, आज एक और मैं बहुत ही प्यारा सा ये खुला हुआ कार्डिगन बना रही हूँ, जो मैं ये गले से बना रही हूँ। और ये आपका 4 मंथ से करीब 1-1.5 साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। और यहाँ पर जो है गले में, देखिए मैंने यहाँ 80 फंदे सिलाई पर डाले हैं। 80 फंदे डालने के बाद दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर ये 5 लाइन हमें ऊपर ले आनी है। जब आपकी ये उल्टी उल्टी लाइन 5 लाइन ऊपर आ जाएं और उल्टी सिलाई भी आप कंप्लीट कर दें, फिर सीधी सिलाई से आप ये यहाँ पर जो ये डिजाइन बने हैं, ये डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पर जाली भी आएगी इसके बाद एकदम सीधी सिलाई पर। और ये 10 नंबर की सिलाई से मैं बुन रही हूँ। ये मल्टी कलर का मैं कार्डिगन बुनूंगी, तो मैं आपको ये थोड़े से फंदों में दिखा रही हूँ। देखिए, थोड़े से फंदों में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ये। और देखिए गाइस, इसमें हमने 6-6 फंदे दोनों साइड ये पट्टी के रखे हैं, दोनों साइड। अब देखिए किस तरह से ये बनेगा। इसमें हम 5 फंदे, जब आप ये बॉर्डर कंप्लीट कर लोगे तो समझ लीजिए आपका बॉर्डर जब कंप्लीट हो जाए, तो पहला फंदा हम पट्टी का बिना बुना उतारेंगे और उनको अपने सामने लाकर 5 फंदे, मैंने इसमें इन थोड़े फंदे हैं तो 5 रखे हैं, तो मैं 4 फंदे और बुन रही हूँ। आप 5 बुनना, क्योंकि आप 6 रखेंगे पट्टी में फंदे। अब देखिए गाइस, ऊन अपने सामने ही रहेगी। अब जो है हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। सीधी सिलाई है हमारी बॉर्डर के बाद की, तो एक जाली हमारी एकदम ये पट्टी के फंदे के बाद यहाँ पर डल गई। अब फिर से ऊन को वापस लेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर से ऊन को वापस अपने सामने लेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे। हर 2 फंदों के बाद हमारी ये जालियां डलनी है, जितने भी फंदे आपके ये हैं यहाँ पर पट्टी से अलग। पट्टी के पास भी एकदम देखिए, हमने यहाँ पर जाली डाली थी और अब फिर से हमारी ये पट्टी के फंदे आए हैं, तो ऊन हमारी पीछे ही रहेगी और यहाँ पर हम उल्टे उल्टे पट्टी के फंदे बुन देंगे। ऊन को आप पीछे ही रखना है, जब ही आप उल्टा बुनोगे तो पीछे ऊन रहेगी, तभी जाली पड़ पाएगी आपकी। अच्छा, इसमें उल्टा सिलाई जब आएगी तो उसमें मैं आपको पहली सिलाई पर बता दूंगी, फिर तो आपको दिखाई देने लगेंगे। अब देखिए, हमारी रो नंबर 2 आई है, तो पहला फंदा हमने उतारा पट्टी के फंदों का। पहले हम ये फंदे बुनेंगे, लास्ट में हमारे 6 फंदे बच रहे थे, ये तो 6 ही बुनेंगे हम। ये देखिए, अब देखिए गाइज, हमें क्या करना है, जो फंदा हमारा ये जाली वाला है, ये जाली वाला तो हम उल्टा बुनेंगे फंदा इस तरह से। अब उनको आगे पहुंचाकर जिन फंदों को हमने सीधा बुना था, उस उल्टी सिलाई पर भी हम उनको सीधा बुनेंगे। अब उनको सामने लाएंगे, फिर से जाली वाला फंदा हम ये उल्टा बुनेंगे, फिर उनको आगे पहुंचाकर ये 2 फंदे जो थे इनको हम सीधा बुनेंगे उल्टी सिलाई पर। फिर उनको आगे लाएंगे, जाली वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से देखिए 2 फंदे हमारे ये यहाँ पर सीधे बुन दिए उल्टी सिलाई पर। फिर अब तो ये आपको दिखाई देने लगेंगे। फिर से उनको वापस लिया, जाली के फंदे को उल्टा बुना। अब देखिए, ये वाले फंदे हमारे पट्टी के हैं, तो ये हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे। अब हमें गाइस कोई जाली नहीं डालनी है। ये जो आप 80 फंदों पे दो दो पे जाली डालोगे, लास्ट तक डालकर लाओगे, तो बस ये जाली अब यहाँ डल गई। अब हमारी ये वाली सिलाइयाँ जो है, देखिए ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट होंगी। अब जाली डालने के बाद हमें 8 सिलाइयाँ बुननी है। देखिए, पहला फंदा हम पट्टी का बिना बुना निकालेंगे, उनको अपने सामने लाकर बाकी के पट्टी के फंदे उल्टे बुन देंगे। अब देखिए, उनको पीछे पहुंचाया, जो फंदा हम जाली का ये बुन रहे थे, उल्टा बुना था हमने, इसको हम सीधा बुनेंगे। बस ये जाली का फंदा सीधा बुना जाएगा और ये जो 2 फंदे हम बुन रहे थे, ये हमारा उल्टा बुना जाएगा। सीधी सिलाई पर उल्टा बुना जाएगा और उल्टी सिलाई पर सीधा बुना जाएगा। अब ये एक फंदा जो जाली का है, इसको हम सीधा बुनेंगे और इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे। बस इस तरह से हमारी ये 8 रो कंप्लीट होनी है। हमारी ये 2 फंदे उल्टे बुने,
उनको पीछे पहुंचाया, जाली वाला फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से ये दो फंदे हम, यहाँ पर हमारे छह फंदे हैं, ये लास्ट में छह रह गए थे हमारे पट्टी के, ये हम उल्टे बना देंगे। दोनों साइड से पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे चलेंगे। अब देखिए गाइस, अलग ही दिखाई देने लगा। ये दो फंदे हमारे उल्टी सिलाई पर सीधे बुने जाएंगे और ये जाली वाला जो हम सीधा बुन रहे हैं सीधी सिलाई पर, वो हमारा उल्टा बुना जाएगा। तो ये आपने इस तरह से टोटल 8 सिलाइयां कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये भी जाली वाला उल्टा ही बुनेंगे, जो हमारा सीधा बुना जा रहा है सीधी सिलाई पर, जो सीधी सिलाई पर उल्टे बुने दो फंदे उनको हम उल्टी सिलाई पर सीधा बुनेंगे। बस अब तो ये अलग ही दिखाई देने लगे हैं कि हम उल्टी सिलाई पर इन्हें कैसा बुनना है और सीधी सिलाई पर कैसा बुनना है। तो बस अब आप इस तरह से ये 8 सिलाइयां कंप्लीट कर ले। जब आपकी ये 8 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी, तब आपने, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने ये पूरे करने हैं फंदे, और फिर मैं आपको इसमें डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी जो मैंने जिगजैग का बनाया है। मैंने एक और कार्डिगन में अपलोड किया है वो डिजाइन, देखिए इस तरह से ये आएगा, इस तरह से ये एक फंदा सीधा चल रहा है सीधी सिलाई पर हमारा, सीधी साइड है ये, और ये दो उल्टे चल रहे हैं। फिर गाइस देखिए, जब आपकी 8 सिलाइयां हो जाएंगी या सीधी सिलाई आपकी आएगी, तो आपने ये दोनों साइड से उल्टा उल्टी पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो ये आपकी 1 2 3, ये 3 लाइन आपकी उल्टी उल्टी ऊपर आनी चाहिए, और देखिए इधर भी हमारी ये 3 लाइन है। तो आपने ये पूरी कंप्लीट कर देनी है। सीधे पर उल्टा बुनेंगे, फिर उल्टी पर भी उल्टा बुनेंगे, फिर सीधे पर उल्टा बुनेंगे, फिर उल्टी पर भी उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी पर उल्टा बुनेंगे, फिर उल्टी पर भी उल्टा बुनेंगे। टोटल 6 सिलाइयां आपकी ये कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपका सीधा डिजाइन आएगा, सीधी साइड जाएगी। तो सेम इस तरीके से, जहां जैसे ये यहाँ जालियां डाली है, फिर से आपने इसी तरह से हर दो फंदों को बुनकर, पहले आप पट्टी के पास से ही जाली डालकर लाएंगे यहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको इन ड्रॉ में बताया है, उन्हीं को रिपीट करना है आपने। ये 3 टाइम, ये 3 टाइम हमने यहाँ पर रिपीट की है सब रो। तो आप इस तरह से इनको रिपीट कर लाएंगे। अब देखिए गाइस, हमारी जो है ये उल्टी सिलाई आ रही है, तो उल्टी सिलाई को पहले हम यहाँ पर बस पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे, तब हम इसको इस पर डिजाइन बनाएंगे। देखिए हमारी ये पूरी रो उल्टी बनेगी। देखिए गाइस, एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, ये उल्टी सिलाई जो मैं कर रही हूँ, इससे पहले आपने क्या करना है, इन फंदों को बांट लेना है। देखिए ये जो फंदे हैं, ये हमें 4 जगह पर मार्क लगाना है हमें। ये 2 जगह पर अगले पार्ट के हो गए, बीच में ये जो आ रहा है ये वाला, ये आस्तीन के हो गए हमारे, और ये हमारी बैक साइड हो गई। तो ये हमारे, मैं गिनकर आपको बता देती हूँ कितने फंदे कितने कितने फंदे इनमें से हमने रखे हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30 39 फंदे हमने दोनों अगले पार्ट में रखे हैं। फिर यहाँ पर मार्क लगा दिया 39 के बाद, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 फंदे हमने, देखिए 48 फंदे गिनने के बाद यहाँ मार्क लगा दिया, ये एक आस्तीन के हो गए, इधर भी 48 पर हमने यहाँ मार्क लगा दिया, ये हमारे आस्तीन के दोनों के हो गए, ये अगले पार्ट के हो गए, ये आस्तीन के हो गए। बाकी सब बचे हुए फंदे हमने ये पिछले पार्ट में कर दिए, जितने भी हमारे फंदे बचे सबको हमने टोटल को बैक साइड में कर दिया। तो बस ये फंदे बांटने के बाद आप उल्टी सिलाई कंप्लीट करके लाएंगे, और उसके बाद बस ये हमारा जिगजैग का डिजाइन डलेगा। देखिए गाइस, ये भी हमें उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट नहीं करनी है, अभी हमने ये पहले हमारे ये सिलाई में जो है फंदे अगले पार्ट के आ गए, अब ये मार्क आ रहा है यहाँ पर। तो अब हम पहले यहाँ से आस्तीन के फंदे बुनेंगे,
अब बस उनमें ही हम पहले ये डिजाइन सेट करेंगे, क्योंकि हमारे जो आस्तीन के फंदे हैं पहले आस्तीन ही बुनी जाएंगी। तो बस हमने अगले पार्ट को देखे बुनकर, अब आस्तीन के फंदों को बुन रहे हैं जो मार्क लगे हुए हैं। बस फिर वापस से हम अगला जो मार्क है हमारा आस्तीन का, उस पर से हम वापस लौटेंगे, क्योंकि हमें फिर ये डिजाइन इसी में बनाना है। पहले आस्तीनें कंप्लीट होती हैं इस कार्डिगन की जो हम ऊपर से बुनते हैं, उसके बाद ही हमारा ये पूरा कार्डिगन बनता है। तो पहले एक आस्तीन को हम कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी को करेंगे। तो ये कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस, आस्तीन का जो दूसरा मार्क है बैक साइड के पास का, उस तक हम ले आए। अब इन फंदों को बस हम यहीं पर पलट लेंगे और ये वाले बैक साइड के फंदे हमारे बस इस सिलाई में रहेंगे, और हमारे और जो फंदे हैं ये हमारे इसी सिलाई में रहेंगे। बस अब हम आस्तीन के फंदों को ही बुनेंगे यहाँ से इस मार्क तक। तो अब देखिए, हमें इसमें जो है डिजाइन सेट करना है। जो भी कलर आप इसमें लगाना चाहें, मल्टी कलर आप लगा लें या टू कलर में आप इसको बना लें। तो देखिए, एक फंदा स्टार्ट का पहले बुनना है इसमें, फिर हमें तीन फंदे इस तरह से बिना बुने ये व्हाइट वाले निकाल देने हैं। लेकिन पहला फंदा आप बुनकर लाएंगे हर उस डिजाइन पर जिस डिजाइन, जब आप दूसरा कलर लगाओगे, क्योंकि एक जिगजैग पूरा होने के बाद हमारा दूसरा कलर लगेगा। अब देखिए, इस फंदे को बुनेंगे, फिर से तीन फंदे इस तरह से हम निकाल कर लाएंगे, फिर इस फंदे को बुनेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा आप इस फंदों को इस तरह से फैला लें जब ये वाला फंदा बुने। देखिए, फैला दिया मैंने इनको इस तरह से, वरना यहाँ पीछे अगर आपका खींच कर आएगा तो फिर आपके डिजाइन में जो है स्किल साफ नहीं आएगा और ऊबड़ खाबड़ सा हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये तीन तीन फंदों को उतार के लाना है और एक फंदों को बुनना है। नेक्स्ट उल्टी सिलाई पर हमारे इन तीन में का जो बीच में फंदा है तीनों का, ये फंदा रह जाएगा और इधर आधर वाले फंदे हमारे और फंदों के साथ बुने जाएंगे। देखिए, अब ये तीन फंदे यहाँ बच रहे हैं सिर्फ हमारे, तो इनको बस इसी तरह से उतार लिया हमने और वापस से हम बैक हो गए। अब देखिए गाइज, अब ये तीन फंदे हैं वाइट, तो ये बीच वाला फंदा हमारा वाइट ही रह जाएगा। पहले हम इस वाले फंदे को इधर वाले को बुनेंगे इस कलर से, इसको बिना बुना उतारेंगे। अब ये फंदा भी बुना जाएगा, ये तो है ही हमारा कलरफुल, ये वाला भी बुना जाएगा। तो अब ये तीन हो गए, ये एक रह गया बीच वाला। बस इस तरह से आपने इस डिजाइन को बनाना है, बस ये रह जाएगा और ये तीन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सीधी सिलाई आएगी उस पर हम पूरे फंदों को जिस कलर से डिजाइन डाला है हमने, ये भी बुना जाएगा, जिस कलर से हमने ये डिजाइन डाला है उसी कलर से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाली कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस, लास्ट में आ गए हैं हम। अब देखिए, इस डिजाइन की रो नंबर 4 आई है, तो ये पूरी राइट साइड है सीधी ही कंप्लीट हो जाएगी, पूरी रो इसी कलर से हम सीधी बुन देंगे। 4 रो का डिजाइन है, उल्टी सिलाई भी इसमें उल्टी ही कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट हमारा कलर इसमें लगेगा बस, और आपको ये 4 ही रिपीट करती जाने हैं जितने भी कलर आप लगा रहे हैं। ये 4 रो जो होंगी इसको मैं पूरा सीधा कंप्लीट कर लू। देखिए गाइस, ये सीधी सिलाई भी कंप्लीट हुई रो नंबर 3। अब रो नंबर 4th आई है, पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। रो नंबर 4 पर हमें कुछ नहीं करना है, पूरी उल्टी कंप्लीट कर देना है। ये देखिए गाइस, उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हुई। बस ये 4 रो का डिजाइन था, यही 4 रो आपने हर कलर में रिपीट करनी है। देखिए, अब मैं बेस कलर लगा रही हूँ, तो व्हाइट पहला फंदा व्हाइट से बनाया, अब ये तीन फंदे उतार लिए। बस इस तरह से आप ये 4 रो रिपीट करते जाइए। अब मैं आपको फिर दिखाऊंगी, अगर आपको आस्तीन ज्यादा चौड़ाई लगती है अपने बेबी के हिसाब से, तो आपने आस्तीन में फंदे एक इस साइड से और एक इस साइड से घटाते हुए चलना है लास्ट तक, जितने आप चौड़ाई रखना चाहे आस्तीन की।
बस इस तरह से आप इसमें घटाते हुए जाइए, कहीं कहीं पर दोनों साइड से एक एक फंदा। तो आप अपने बेबी के हैंड के हिसाब से रखें, जितना उसका कोई पुराना कार्डिगन हो उसके कार्डिगन से आप बेबी के नाप लें, कितनी आस्तीन आपने चौड़ाई रखनी है। तो मैं कहीं कहीं घटाती हुई चलूंगी क्योंकि काफी फंदे हैं, ये हमारे 48 फंदे हैं, 49 फंदे हमारे ये देखिए। बस इस तरह से आप 4 रो रिपीट करते जाइए। देखिए गाइज, मैंने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर मैंने ये 12 रो दी हैं। जब आपके फिर सीधी सिलाई आए तो ये डिजाइन दे दिया है यहाँ पर, फिर आप ये दूसरा डिजाइन देंगे। यहाँ बीच में मैंने ये, इसमें तो 12 रो की है, और देखिए नीचे का जो हिस्सा है, इन सब जब ये सब फंदे एक जगह हो गए तो इसमें भी मैंने ये डिजाइन बनाया है। और यहाँ पर मैंने ये 18 रो दी है, 18 रो दी है ये व्हाइट कलर की। अब देखिए हम दूसरा डिजाइन यहाँ पर डालेंगे, और दूसरा डिजाइन इतना ही देंगे जितना ये है, और ये कंप्लीट होने के बाद हम फिर एकदम बॉर्डर बना देंगे। तो मैं थोड़ा सा ये डिजाइन और आपको दिखा दूं। सेम तरीके से डिजाइन डल रहा है जैसे आस्तीन में डला था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका स्टार्ट का दिखाई देती हूँ। देखिए हमारे गाइस 2 4 6 फंदे हो गए हैं, तो इस 7 फंदे हैं ये वाले मेरे। अब देखिए गाइज, यहाँ पर हमारा यही कलर लगेगा जो हमने ऊपर डिजाइन में दिया है, पहला फंदा, फिर 3। बस इस तरह से हम ये उतार लेंगे, फिर से दूसरा फंदा, फिर 3 फंदे उतारेंगे। बस जिस तरह से मैंने आपको आस्तीन में बताया है उसी तरह से ये डिजाइन बनेगा। बस अब मैं ये सारे डिजाइन बना लाऊं, और ये कंप्लीट जो नीचे बॉर्डर आएगा, तो देखिए बॉर्डर जब आप करोगे तो आपके नीचे बॉर्डर में भी ये 5 लाइन ऊपर आनी चाहिए। जिस तरह से ये आस्तीन के बॉर्डर में और गले में 5 लाइन आई है यहाँ पर, उसी तरह से नीचे आएंगी। तो देखिए गाइस, पहले एक कलर लगाया, फिर व्हाइट, फिर ये 2 कलर लगाए, बीच में व्हाइट दिया है, फिर व्हाइट, फिर ये नीचे। तो ये इस तरह से 2 4 6 7 7 लाइन ये डिजाइन की आ गई है। कैसा लगा आपको ये डिजाइन गाइज, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक।